रहा है। इस चीज को सुनकर ये बात सुकून मिला कि हाँ कोई तो है जो इनके साथ खड़ा है। और लास्ट में मैंने बात बोली थी कि चीखने चिल्लाने वाले कोई काम नहीं आएंगे, काम आएंगे तो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इन दो लोगों को ही तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता होती है। तो पेरेंट्स की मेरी लगातार बात हुई है और जितने भी मैं और बोलूंगा आप लोगों से कि आप जब भी हम टीचर्स के साथ आए अपने पेरेंट्स को साथ में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरी कम से कम मैं आपको सैकड़ों पेरेंट्स से लगातार, क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से लगातार हुई बात हुई है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से लगातार बात हुई है। उनका यही कहना है कि सर हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं चाहते जिस पर बच्चे को नुकसान हो, उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और उसमें सबसे ज्यादा जब किसी माँ से मेरी बात हुई और उसका यह कहना है कि सर मेरा बच्चा परेशान हो चुका है और मैं किसी भी हद तक इसके लिए जाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग इसमें आगे बढ़िए और हमें बताइएगा कि हमें इसमें करना क्या है, उस समय ये मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस समय एक ही बात मांगती है कि अब आर या पार होगा, जिंदगी में बहुत देख लिया है लेकिन अब इससे बरसात नहीं बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, क्योंकि मुझे जो भरोसा था जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा था वो इस बार पेरेंट्स की वजह से आया था, क्योंकि जिनके वो तुम बच्चे हो या मैं किसी अथॉरिटी के सामने जाकर वहां चिल्लाता हूं तो उसके लिए मुझे ये मेरे पास शब्द है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों का हक मांगने के लिए आए हुए हैं और ये बच्चे हैं जो अपना हक मांगने आ रहे हैं। तो मेरी